आप सारा दिन शहर के खूबसूरत नजारों को देखने में बिजी थे। आपने लगातार नेविगेशन का इस्तेमाल किया, 5000 तस्वीरें ली और अपने सबसे अच्छे दोस्त को हर 10 मिनट में वीडियो कॉल की, जिससे आपके फोन की बैटरी घटकर 12% रह गई है और आपको अभी भी फायरवर्क्स का लाइव स्ट्रीम करना है, रात के लिए रूम बुक करना है और होटल तक जाने के लिए रास्ता खोजना है। आप अपनी बैटरी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आप एक एक करके सभी एप्स को बंद कर देते हैं। अलविदा मैसेंजर, फोटो एडिटिंग ऐप। अब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। आप सभी एप्स को फोर्स क्विट करना शुरू कर देते हैं और आपकी बैटरी घटकर 7% रह जाती है। अब आप इस बैटरी का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए आप गूगल की मदद लेते हैं। आपको पता चलता है कि बैकग्राउंड एप्स को बंद करने से ज्यादा बैटरी खर्च होती है और उन्हें ऐसे ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। जब आप किसी ऐप को फोर्स क्विट करते हैं तो ऐप को बंद करने और इसे रैम से हटाने में काफी बैटरी खर्च होती है, और जब आप ऐप को फिर से खोलते हैं तो ये इसे फिर से शुरू करने के लिए और भी ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल करता है। जब आप एक ऐप को छोड़कर दूसरे ऐप का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो पहला ऐप रैम में स्टोर हो जाता है। ये बिल्कुल उसी कंडीशन में फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार हालत में चुपचाप वहां पर रहता है और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा बैटरी, टाइम या डेटा को बर्बाद किए बिना अपने काम पर वापस लग जाता है। आपके फोन का अपना मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है। ये उन एप्स को बंद कर देता है जिनका आप लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं करते हैं या जो जरूरत से ज्यादा बैटरी खा रहे होते हैं। अगर आप फोन को इसका काम करने देते हैं और इसे तय करने देते हैं कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में चलेगा, तो ऐसा करने से इसका सिस्टम तेजी के साथ और अच्छी तरह से काम कर सकता है। आपको लगता है कि आपका फोन शाम तक नहीं टिकेगा, आप जल्दी से पास के होटल में आ जाते हैं। किसी ने आपसे कहा था कि बैटरी को पूरी तरह खत्म करना ज्यादा मददगार होता है, लेकिन इंटरनेट बताता है कि ये बात बिल्कुल गलत है। 10 साल पहले फोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को अगर पूरी तरह खत्म करने के बाद चार्ज किया जाता था तो वो ज्यादा लंबे वक्त तक चलती थी। आजकल लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे 30% और 80% के बीच रखना ज्यादा बेहतर है। अगर आप बैटरी को जीरो करने के बाद दोबारा चार्ज करते हैं तो आप इसमें एक ऐसा साइकिल ऐड कर रहे होते हैं जो गैर जरूरी है। इस मामले में अपने फोन की बैटरी को हर 6 महीने में बदलने के लिए तैयार रहें। अब आपको अपने फोन को जितनी जल्दी हो सके चार्ज करना होगा ताकि आप फायरवर्क्स को मिस न कर पाए। आपको एक्सप्रेस चार्जिंग के बारे में वो सब याद है जो आप जानते हैं और आप केस को हटा देते हैं। उनमें से ज्यादा ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। आपके फोन की लिथियम आयन बैटरी ठंडी होने पर सबसे ज्यादा असरदार होती है। बहुत ज्यादा गर्मी इसे धीमा और खराब कर देती है। तापमान जितना ज्यादा होगा चार्जिंग उतनी ही धीमी होगी। आपके होटल के कमरे में एक चार्जिंग डॉक है लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिजिकल केबल से एनर्जी तेजी से ट्रांसफर होती है, साथ ही चार्जिंग पैड या स्टैंड पर फैली हुई सारी एनर्जी आपके फोन को गर्म कर देती है, जो अच्छा नहीं है। आपके कंप्यूटर का USB पोर्ट आपके गैजेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसमें कम एम्परेज होता है, लेकिन इससे इसकी स्पीड दोगुना धीमी हो जाएगी, तो आप एक वॉल सॉकेट से इसे चार्ज करते हैं। ये शायद काफी ऊंचा है और आपका फोन गिर सकता है, जो ठीक नहीं है। तो आप कांच से एक लूप बनाते हैं और अपने फोन को उस लूप में रख देते हैं। ये यहाँ ठीक रहेगा और गिरेगा भी नहीं। आपका फोन 5% चार्ज होता है और आप अपने न्यूज फीड को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। चार्ज करते वक्त फोन चलाना सेफ है, लेकिन इससे चार्जिंग बहुत धीमी हो जाती है। इसके बजाय एयरप्लेन मोड चालू करें। ये सभी पॉसिबल रेडियो जैसे सेल्यूलर, GPS, ब्लूटूथ वगैरह और सभी साउंड को बंद कर देता है, जिससे चार्जिंग तेजी से होती है। साथ ही आप खराब कवरेज वाले इलाके में हैं, तो ये सिग्नल की तलाश में बैटरी बर्बाद नहीं करेगा। आपका आईफोन 80% तक चार्ज हो जाता है। ज्यादातर आईफोन में डिफॉल्ट रूप से ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग होता है। ये आपकी चार्जिंग हैबिट को स्टडी करता है और जब आप सो रहे होते हैं या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो ये 80% के बाद चार्जिंग को धीमा कर देता है। जब आप किसी पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो आप अपना OS अपडेट करते हैं।
नए वर्जन में हमेशा हर तरह की दिक्कतों के लिए पैच और फिक्सेस होते हैं, जिसमें चार्जिंग प्रॉब्लम भी शामिल है। और नए ऑपरेटिंग सिस्टम नई तकनीकों के साथ बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिसे फास्ट चार्जिंग फीचर एंड्रॉइड पर सबसे अच्छे से काम करता है। हो गया, अब वक्त हो गया है फायरवर्क्स को देखने का। आप रास्ते में एक स्टोर में जाते हैं जो फास्ट चार्जर्स बेचता है। आपको उन पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन एक सेल्स पर्सन बताता है कि ये फोन के लिए सेफ होते हैं। ये 10 से 30 मिनट में फोन को 60% तक चार्ज करते हैं और फिर एक नॉर्मल स्पीड पर चार्ज करते हैं, ताकि फोन में ज्यादा करंट ना आए। आप एक नया चार्जर भी चुन लेते हैं। क्वालिटी थर्ड पार्टी चार्जर्स में से ओरिजिनल चार्जर्स की तरह इनबिल्ट सेफ्टी मैकेनिज्म होता है और ये आपके फोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपका फोन 12 वॉट हैंडल कर सकता है तो 10 वॉट का चार्जर लेने से चार्जिंग तेज हो जाती है, लेकिन फोन के साथ 5 वॉट का चार्जर आता है। एक अच्छी केबल सारी परेशानी खत्म कर सकती है। इनके अंदर 4 वायर होते हैं, जिनमें 2 डेटा ट्रांसफर करने के लिए और 2 चार्जिंग के लिए होते हैं। ये चार्जिंग स्पीड की लिमिट सेट करते हैं। सेल्स पर्सन समझाता है कि अगर आपको फोन तेजी से चार्ज करना है तो आप एक स्टैंडर्ड केबल की जगह हाई क्वालिटी केबल ले सकते हैं। आप उसकी बातें इतनी ध्यान से सुन रहे होते हैं कि आप गलती से अपने पुराने चार्जर पर थोड़ा सा सोडा गिरा देते हैं। अब आपके पास इसे बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ तक कि पानी या पसीने की एक छोटी बूंद भी चार्जिंग को धीमा कर सकती है या इसे बर्बाद कर सकती है। सेल्स पर्सन आपके लाइटिंग पोर्ट को भी चेक करता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी धूल और लिंट पहुँच जाती है तो बिल्कुल आपकी नाभि की तरह ये बिजली की तेजी से काम नहीं करेगा। वो सावधानी के साथ एक टूथपिक की मदद से पोर्ट से क्लॉक को हटा देता है। आप घर पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। आपका एक नया दोस्त आपको बैटरी बचाने के तरीकों के बारे में एक मैनुअल देता है और आप रास्ते में इसे स्टडी करते हैं। पहली चीज जो आप करते हैं वो है अपने वॉलपेपर बदलना। ज्यादातर नए फोन में OLED डिस्प्ले होता है। जब आप एक डार्क वॉलपेपर सेट करते हैं तो इसे ब्लैक पिक्सल्स की लाइट करने पर बिजली बर्बाद नहीं करनी पड़ती, इसीलिए स्क्रीन जितनी डार्क होगी उतनी ही कम बैटरी खर्च होगी। आप डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, इससे बैटरी काफी बढ़ जाती है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको सेटिंग्स, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस और फिर डार्क का ऑप्शन चुनना है। आप चाहें तो इसे ऑटोमेटिकली रोज सनसेट या सनराइज के वक्त चालू कर सकते हैं। एंड्रॉइड चलाने वाले ऐसा डिस्प्ले एडवांस्ड में जाकर कर सकते हैं। फीचर लिस्ट के नीचे डिवाइस थीम ढूंढें और डार्क सेटिंग को एक्टिवेट करें। आप सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में जाकर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मोड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। आपको पता चलता है कि सही लाइट लेवल चुनने के लिए लाइट सेंसर डेटा इकट्ठा करने और एनालाइज करने में ज्यादा पावर खर्च होता है। अगर आपके पास एंड्रॉइड है तो आप ऐसा सेटिंग्स, डिस्प्ले में जाकर कर सकते हैं। डिसेबल ऑटो ब्राइटनेस या एडाप्टिव ब्राइटनेस चुनें। तो आप मैन्युअली अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को एक आरामदायक लेवल तक कम कर देते हैं। अब ऑटो लॉक टाइम को भी कम से कम कर देते हैं। जब आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो जितनी जल्दी आपकी स्क्रीन बंद होगी उतनी ही कम एनर्जी खर्च होगी। आप इसे सेटिंग्स, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑटो लॉक में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड पर आप ऐसा मेन्यू, सेटिंग्स, स्क्रीन या डिस्प्ले में जाकर कर सकते हैं। यहाँ आप टाइम आउट या स्क्रीन टाइम आउट में सही टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप टाइम आउट के बारे में जानते थे? सूरज डूबने वाला है लेकिन बाहर अभी भी बहुत गर्मी है, ये आपकी बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। आपकी बैटरी को ज्यादा तापमान पसंद नहीं है, इसीलिए आपको इसे कार की सीट पर धूप में नहीं छोड़ना चाहिए या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होने पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा ठंड भी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी बैटरी कम हो रही है और गर्म होने पर वापस नॉर्मल हो रही है, लेकिन ये भी बैटरी के लिए अच्छा नहीं है। रिंग रिंग, आपको अभी अभी एक प्रोमो ईमेल आया है। अगर आपको काम के लिए अप टू डेट रहने की जरूरत नहीं है तो आप फोन को हर 30 मिनट, हर घंटे या यहाँ तक कि सेकेंडरी ईमेल को मैन्युअली चेक कर सकते हैं। आप अपना इंटरवेल, सेटिंग्स, अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स, फेच न्यू डेटा में इंटरवेल सेट कर सकते हैं। जितना लंबा इंटरवेल होगा उतनी ही आप बैटरी बचाएंगे। एंड्रॉइड पर सेटिंग्स,
मेन्यू में जाएं और ईमेल चुनें। कॉमन सेटिंग्स सेक्शन में सेटिंग्स मेन्यू पर टैप करें। सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए अकाउंट्स को सेलेक्ट करें, सिंक सेटिंग्स, सिंक स्केड्यूल, सेट सिंक स्केड्यूल पर टैप करें और अपनी पसंद का इंटरवल चुनें। अब आपके पास फायरवर्क देखने के लिए सबसे अच्छी लोकेशन तलाश करने के लिए काफी बैटरी बची है। ये दाईं तरफ पहाड़ी के ऊपर है। वाह, क्या नजारा है। अब आप लोकेशन सर्विसेज को डिसेबल कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकते हैं, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।